नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सोलंकी कंप्यूटर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज मैं पैसा नैप के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे कि पैसा नैप का क्या कार्य है, पैसा नैप ऐप कैसे वर्क करती है, उससे क्या क्या सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो में स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी के बटन को भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो पेशन सर्विस एक ऐसा है जैसे कि उससे तीन डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो। जैसे पहला डॉक्यूमेंट्स है तो जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, और दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र, और तीसरा है विवाह पंजीकरण, ठीक है। तो तीनों तीनों का आप पहचान के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पूरा स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, ठीक है, आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो चलो मैं आपका समय को वेस्ट ना करते हुए मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ। तो आपको सर्वप्रथम आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में प्ले स्टोर में लिखना है पहचान, ये पहचान लिखना है। तो यहाँ पे पहला पेज खुलेगा पहचान नाम से। अब ऑलरेडी मेरे अंदर इंस्टॉलेशन है इसलिए ये ओपन का बता रहा है, ठीक है। तो आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करना है, ठीक है। तो जैसे कि जब इंस्टॉल हो जाए तो इसको ओपन करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ तो ये देखो राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन आ रहे, पहला आपको बता देता हूँ अबाउट रजिस्ट्रेशन, पहला आ रहा है अबाउट रजिस्ट्रेशन, दूसरा आ रहा है सर्च रजिस्ट्रेशन, तीसरा आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, चौथा आ रहा है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेट, पांचवा आ रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट, छठा आ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल, सातवां आ रहा है फॉर्म डाउनलोड, आठवां आ रहा है ऐप ए क्यू, नवा आ रहा है सबमिट फीडबैक, और उसके बाद में 10 नंबर पे देखते हैं तो यूज़र फीडबैक, ठीक है। 11 नंबर पे देखते हैं तो कॉन्टैक्ट, और 12 नंबर पे देखते हैं तो रेट, ठीक है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अबाउट रजिस्ट्रेशन करना है। अबाउट रजिस्ट्रेशन तो देखो पहला ऑप्शन है, देखो अबाउट रजिस्ट्रेशन पे करना है। तो देखो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ, जन्म और मृत्यु पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 लागू होने के बाद में देश में जन्म मृत्यु और मृत जन्म की घटनाओं का पंजीयन 21 दिन में करना अनिवार्य है, ठीक है। और विवाह का पंजीकरण भी राजस्थान विवाह, तो ये पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने के बाद में आपको इसको बैक करना है। बैक करने के बाद में आपको तीसरे ऑप्शन पे जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स आपको पढ़नी है, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू अप्लाई फॉर द बर्थ डेट एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और दूसरा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल ओनली बी कंप्लीट व्हेन वी सिटीजन कॉन्टेक्ट टू द कंसर्न रजिस्टर विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है प्लीज कीप सेफ योर पासवर्ड प्रोवाइड टू यू विच माई बी यूज फॉर अपडेशन फॉर एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है। और चौथा है प्लीज़ कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाई कनेक्टिंग रजिस्टर विथ इन 15 डेज, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी कैंसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स पे आपको क्या करना है, चेक मार्क लगाना है, क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना सीधा प्रोसेस पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैंने कर दिया। अब प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पे तीन ऑप्शन खुल रहे, पहला आ रहा है बर्थ जो जन्म का, दूसरा आ रहा है मैरिज जो विवाह का, और तीसरा आ रहा है डेथ यानी मृत्यु। तो तीनों में से अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, ठीक है, जैसे कि आपको
जैसे कि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो बर्थ पे क्लिक करो, अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है तो मैरिज पे क्लिक कर दो, अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो डेथ पे कर दो। तो पहले चलो मैं आपको एग्जांपल के आधार पे बता देता हूँ। जैसे मैंने बर्थ पे सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपकी, जैसे हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है या दोनों में से, तो यहाँ पे दोनों अगर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया दोनों, ठीक है। तो क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो। अब जैसे कि जन्म दिनांक, बच्चे की जन्म दिनांक, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे फिल करनी है, ठीक है। और उसके बाद में भामाशा क्रमांक नामांकन, तो यहाँ पे भामाशा नंबर उसके डालने हैं। उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक करना है, यहाँ पे भामाशा नंबर डालने के बाद में वेरीफाई करेंगे तो उसकी डिटेल आएगी। उसके बाद में बच्चे का नाम हिंदी में डालना है आपको, बच्चे का नाम हिंदी में। उसके बाद में शिशु का नाम अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में डालना है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे के पिता का नाम हिंदी में, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में उनके पिता का नाम लिखना है। उसके बाद में उनके पिताजी का नाम इंग्लिश में डालना है। उसके बाद में फादर का आधार नंबर डालना है, ठीक है। और उसके बच्चे की माता का नाम भी हिंदी में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में हाँ, उसके माता का अंग्रेजी में नाम लिखना है। उसके बाद में उसके माता का आधार नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। और उसके बाद में गांव का है कि शहर का है, निवासी, ठीक है, तो ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। निवासी जैसे गांव का है तो गांव कर दो, अगर शहर का है तो शहर कर दो, ठीक है। उसके बाद में जिले का नाम, तो जिला यहाँ पे कौन सा है, जो भी जिला है वो उस जिले को सेलेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने जालौर कर दिया, तो यहाँ पे जालौर करने के बाद में पंचायत समिति आ रहा है, तो पंचायत समिति, जैसे यहाँ पे पंचायत समिति क्लिक करेंगे ना तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आहोर, तो मैंने जैसे आहोर डाल दिया, ठीक है, पंचायत समिति आहोर, ठीक है, तो ये आहोर डाल दिया। तो लोडिंग डेटा, ठीक है, डाटा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायत ऑब्लिक रजिस्ट्रार तीसरा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पंचायत, जैसे कि कहाँ की है, कौन से गांव का है वो रहने वाला मूल निवासी, तो वहाँ पे गांव का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि गांव यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो जैसे कौन से गांव है तो ये करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। तो उसके बाद में मेल फीमेल वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने डिटेल नहीं डाली है क्योंकि मेरे को किसी का बनाना है नहीं, इसलिए मैंने केवल ऑप्शन बताया आपको। तो ऐसे का ऐसा आप नेक्स्ट करना, ये जो डिटेल फिल करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तो आगे प्रोसेस और आएगा। उसके बाद में पूरा डिटेल फिल कर लोगे, उसके बाद में आप प्रोसेस करोगे ना तो वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप पंचायत में जाओ, ठीक है, या पंचायत में जाके यानी ग्राम पंचायत में जाके आप ग्राम सेवक के माध्यम से भी आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और उस अगर आपको वहाँ से नहीं करना है तो वो आप स्टेटस चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और रेफरेंस नंबर होंगे, ठीक है। तीनों में से कोई भी नंबर हो उसके माध्यम से आप चेकआउट कर सकते हो कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र बन गया है कि नहीं बना है, कि पेंडिंग पे है, कि प्रोसेसिंग पे है, कि ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो प्रोसेस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैं आपको बता देता हूँ। चेक करने के लिए बैक आना है तो यहाँ पे सर्च रजिस्ट्रेशन पे जाना है, दूसरे ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे अपना स्टेट राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना था, डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे मैंने जालौर कर दिया तो जालौर डालना है। अब उसके बाद में बर्थ या कौन सा आपको सर्टिफिकेट का पता लगाना है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र का है, मृत्यु प्रमाण पत्र का है, स्टिल बर्थ का है या मैरिज, ठीक है। तो आपको जैसे बर्थ का करना है तो मोबाइल नंबर, नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर या इवेंट, किससे आप यानी पता लगाना चाहते हो, मोबाइल नंबर से पता लगाना चाहते हो या नाम से या रजिस्ट्रेशन नंबर से या इवेंट डेट से। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे कस्टमर का, जैसे उनके फादर का मोबाइल नंबर अपडेट है तो मोबाइल नंबर डाल दो, जैसे मोबाइल नंबर डालना, तो जैसे मैंने ये डाल दिया उदाहरण के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, सर्च करेंगे, अगर मैंने बनाया होगा तो मिलेगा, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है तो सूचना उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और अगर बाई डिफॉल्ट उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दो, तो मोबाइल नंबर पे क्लिक
कैंसलेशन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, और जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी है, उदाहरण के तौर पे ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, और कौन सा साल है, जैसे 2019 का है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर लो, अब सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि है ही नहीं ये नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है। तो ये चलो मैं इस पेज को बैक करता हूँ। अब इसके अलावा जैसे कि आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट करना है, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है नहीं, या आपको चेक रजिस्ट्रेशन स्टेट, अगर आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट करना है तो यहाँ पे कर दे सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बर्थ या डेथ, ठीक है, या मेरी कोई भी। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको डालने, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालने, और उसके बाद में सर्च करना है, ठीक है। तो तुरंत अगर आपको मृत्यु का प्रमाण पत्र चेक करना है तो भी रेफरेंस नंबर, स्टिल बर्थ का करना है तो भी रेफरेंस नंबर, और मैरिज का करना है तो भी रेफरेंस नंबर से ही सर्च करना, ठीक है। चलो ये तो हो गया, अब डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड, जैसे कि आपको जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है तो ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं या नाम से, ठीक है। और उसके बाद में कैप्सा कोड डालना है और सर्च करना है, ठीक है। चलो ये भी बता दिया आपको। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको मैं बता देता, जैसे सिप रजिस्ट्रार, ये नंबर है, सिप रजिस्ट्रार को आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी सर्च पे क्लिक करो, तो यहाँ पे उनका डिटेल्स आएगा, जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टडीज, डिजाइनिंग सिप रजिस्ट्रार, ठीक है। इसका डेस्टिनेशन है सिप रजिस्ट्रार, और मोबाइल नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर है वहाँ पे जो ऑफिस के, और मेल आईडी है, ठीक है। तो आप उसको मेल भी कर सकते हो अगर कोई कंप्लेंट है, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को अगर आप मेल करना चाहते हो तो भी उनकी डिटेल है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जालोर मैंने सेलेक्ट किया, आप अपने हिसाब से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, उसके बाद में सर्च पे क्लिक करो तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, जैसे अचला राम फुलवारा, ठीक है, जालोर, ये आ गया। इसके बाद में जैसे ब्लॉक ऑफिसर, ठीक है, तो ब्लॉक ऑफिसर, तो यहाँ पे जैसे मैंने जिले का नाम डाल दिया, जिले का नाम डाल दिया, अब वो रूरल है कि अर्बन है कि, ठीक है, ग्रामीण है कि शहरी है, जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद में सर्च करो तो इंदर सिंह राजपुरोहित है, ठीक है, BSO। तो ऐसे का ऐसा आप सबका, और प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, जालोर में, जैसे जालोर का देखना है, ये जालोर, ठीक है, आहोर, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये देखो बिश्नोई नर्सिंग होम है, कीर्ति केयर हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल है, और PSC भवरानी है, PSC घाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डिटेल्स चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलो ये तो मैंने कर दिया, अब फॉर्म, अगर आपको डाउनलोड नहीं, आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट करना है तो यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट क्या करना है, तो ये नहीं, चलो सॉरी मैंने ये तो बता दिया, अब आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। तो फॉर्म डाउनलोड के लिए ये फॉर्म है, देखो पहला है बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, दूसरा है डेथ, दूसरा है मृत्यु रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तीसरा है स्टिल बर्थ, चौथा है मैरिज रजिस्ट्रेशन, पांचवा है एडॉप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और छठा है मैरिज रजिस्ट्रेशन एफिडेविट, और बर्थ, और सातवां है बर्थ डेट रजिस्ट्रेशन एफिडेविट। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे मुझे जैसे कि मैं मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करना, तो यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा गूगल से, ठीक है। यहाँ पे पेज खुल रहा है, ये देखो सर्टिफिकेट, अब उस सर्टिफिकेट को आप देखो, ये जूम करके मैंने बता दिया, तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोई भी सर्टिफिकेट इससे निकाल सकते हो, ठीक है, फॉर्म, कोई भी फॉर्म निकाल सकते हो, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, ठीक है। और अगर आपको फीडबैक भेजना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो सबमिट फीडबैक के, आपका नाम, गांव का, गांव शहर जो भी है, दूरभाष नंबर है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, सुझाव है, और एंटर कैप्सा कोड डाल के आप सेंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे कैसे, पहला नंबर यहाँ पे नाम डालना है, दूसरे पे शहर का नाम डालना है, तीसरे पे दूरभाष नंबर है, चौथे पे मोबाइल नंबर है, ठीक है, और उसके बाद में पाँचवें पे मेल आईडी है, ठीक है, सट्टे पे सुझाव जो भी आपका है, और उसके बाद में यहाँ पे एंटर कैप्सा कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है। कैप्सा कोड डालने के बाद में उसको सेंड पे क्लिक करना है,
चलो ये भी बैक कर देते हैं। इसके बाद में यूज़र फीडबैक, अगर आपको कोई इस सर्विस के बारे में अच्छा लगा है तो फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और कॉन्टैक्ट यूज़, तो यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट यूज़ चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो नोडल ऑफिसर का नंबर है, टोल फ्री नंबर है, मेल आईडी है, ठीक है, वेबसाइट है, आप पूरा चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस सर्विस, अगर आपको बेटर अच्छी लगी है तो आप उसका रेट भी दे सकते हो आप उसको, ठीक है, 5 स्टार, ठीक है। चलो तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।